वेलकम टू AKG ट्यूटोरियल्स पार्ट टू रिटायरिंग ऑफ पार्टनर में राइट्स ऑफ रिटायरिंग पार्टनर और टॉपिक आपने देख लिया होगा। तो राइट्स ऑफ रिटायरिंग पार्टनर का मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि लायबिलिटी जो होती है रिटायरिंग पार्टनर की, वो अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट के साथ साथ उसके बाद भी अगर कोई लायबिलिटी इंकर होती है तो वो भी रिटायरिंग पार्टनर को बियर करनी पड़ेगी अंटिल अनलेस वो पब्लिक नोटिस नहीं देते हैं। तो उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, साथ में पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में पब्लिश कराना पड़ेगा, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक प्लस लोकल न्यूज़पेपर में उन्हें ये पब्लिश करानी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन। अगर वो ये स्टेप्स नहीं लेते हैं तो अगर इन केस कोई भी फ्यूचर में कोई लॉस होता है, उन्होंने बैंक का लोन पे नहीं किया, उन्होंने किसी क्रेडिटर्स को पे नहीं किया, तो उनको लायबिलिटी बियर करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम सीखेंगे इस चैप्टर में, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। NPR सीखना शुरू करेंगे, गेनिंग रेशियो सीखेंगे, गुडविल की ट्रीटमेंट सीखेंगे कि गुडविल को कैसे हमें उसकी एंट्री पास ऑन कर रही है, एसेट्स या लायबिलिटी को रिवैल्यूएशन करना है, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या लायबिलिटी है उसको एडजस्ट करना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, सेटलमेंट्स करनी है एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट भी करनी है। ठीक है, ये सारे प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं वो है आपका कैलकुलेशन और असर्टेनमेंट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ये आपको क्लियर हो गया ना कि हम इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें क्या क्या कवर अप करने वाले हैं, ये सारे वो टॉपिक्स हैं। एक वन फुल फ्लेज क्वेश्चंस भी हो जाएंगे एंड साथ में छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हो जाएंगे जो आपके MCQs में कवर हो सकते हैं। तो आ जाते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक पे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्चुअली में क्या होती है, बहुत ही सिंपल वर्ड ही इट्सेल्फ डिफाइन कर रहा है कि जब पार्टनर रिटायर हो गया है तो जो रिमेनिंग पार्टनर जिसमें प्रॉफिट एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपस में बांटेंगे, उसे कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ओल्ड रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोथ आर डिफरेंट। ओल्ड रेशियो जो है कि जब तक पार्टनर रिटायर नहीं हुआ था वो वाली रेशियो, एंड न्यू रेशियो जो है जब पार्टनर रिटायर हो गया है तो क्या रेशियो में वो डिसाइड करते हैं अपनी पार्टनरशिप डीड में, वो क्या लिखते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला बहुत इजी है, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो सिंपली बता रहा है कि क्या बेनिफिट हुआ उसे। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें सिचुएशंस हैं। केस वन देख लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, न्यू डिक्लेयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो NPR और गेनिंग रेशियो कर रहे हैं। ठीक है, केस वन क्या है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, 2:1 हो जाएगी और यही हमारी रेशियो हो जाएगी 2:1। ये तो डायरेक्ट वाला हो गया, इसको सॉल्व करके भी देख रहे हैं हम कि क्या ये सही कर रहे हैं। मतलब ये जो ट्रिक यूज कर रहे हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग 2:1 हो जाएगी सीधा सीधा, वही हमारी गेनिंग रेशियो हो जाएगी। इस स्पेसिफिक सिचुएशन में साइलेंट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, बट इसको अगर सॉल्व करके भी देखना है, सपोज 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो 2 नंबर में आप डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते ना, थोड़े स्टेप्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो स्टेप्स देख लेते हैं हम लोग, स्टेप्स क्या है। पहले आप निकाल लो एक्स का पार, एक्स पार कितना है, 3:6 है ना। तो रिमेनिंग क्या कितना बचा, रिमेनिंग 3/6 ही बचेगा, 1 - 3/6 तो 3/6 इसमें हमारा, हाँ। किस किस का है ये वाई और जेड का शेयर है। हाँ, वाई और जेड का लिख के करिए, दो दो बार लिख लो इसे, भूल जाओगे नहीं तो जल्दी। 3/6 आ गया हमारा रिमेनिंग शेयर आफ्टर रिटायरमेंट। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे इस केस में,
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तीन की मैट्रिक्स टाइम्स पे तो एक्स का रेशियो, एक्स का शेयर बटेगा गेनिंग रेशियो में, हाँ, फिर वाई के में प्लस हो जाएगा वो ओल्ड रेशियो में। गेनिंग रेशियो वाला पार्ट ही नहीं आएगा इसमें, हमें डायरेक्ट क्या करना है, वाई का क्या पार्ट है 2/6 ओल्ड का, ठीक है, ऐसे सेट कर लिख लो 1/6, ठीक है, ठीक है, इसमें गेनिंग रेशियो देनी ही रखा है, इसमें क्या करना है 2/6 और 1/6 लिखना है, ओल्ड पार्ट लिखने होंगे, ओल्ड रिमेनिंग पार्ट लिखना है और मल्टीप्लाई करना है रिमेनिंग शेयर का रेसिप्रोकल 6/3, तो 2/3 1/3, तो 2:1 ये हमने डायरेक्ट भी कर लिया था, किसी का हमने उठा के 3 को भूल गए, 2:1 हो गया, ठीक है, केस वन ये है, फॉलो कर लो, नहीं तो डायरेक्ट 2:1 भी लिख सकते हो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो भी हमारी सेम हो जाएगी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं केस टू पे, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको गिवन होगी और आपको निकालना है गेनिंग रेशियो, मतलब आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है, ये केस टू है आपकी, इसमें बहुत ही सिंपल सा है, दोनों चीज़ें आपको दे रखी है, गेनिंग रेशियो का आपको फॉर्मूला पता है, वैल्यूज डालिए, लाइक इस क्वेश्चन में वाई का गेनिंग शेयर हमें निकालना है, तो न्यू रेशियो क्या है इसकी 3/5, मतलब 3:2 है तो 3/5 माइनस 2/6, मतलब ये हमारा ओल्ड का पार्ट था, न्यू का पार्ट माइनस ओल्ड का पार्ट कम्स टू 8/30, ऐसे ही z का न्यू का पार्ट है उसका 2/5 और पुराना पार्ट है उसका 1/6, एलसीएम वगैरह निकाल के कैलकुलेशन स्टेप्स फॉलो करके 7/30 आ जाएगा, तो गेनिंग रेशियो है आपकी 8:7, क्लियर हो गया, आई होप कोई डाउट नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट हमें गेनिंग रेशियो बोली है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये है आपका केस टू, क्लियर है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा एंड क्वेश्चन साथ के साथ ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं होंगे, परेशानी आएगी फिर आपको, वैसे ये ऐसे डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। अब आ जाते हैं केस थ्री पे, जब आपके जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो जो शेयर रिटायरिंग पार्टनर का जो कर रहे हैं वो एक स्पेसिफाइड रेशियो में कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल में आपका इक्वली कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपको केस थ्री में गेनिंग रेशियो दे रखी है, ओल्ड रेशियो दे रखी है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले आप एक्स रिटायर हो रहा है तो एक्स का जो रिटायरिंग पार्ट है वो कितना है देख लीजिए 15/30, ठीक है, उसको वो इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, तो 15/30 मल्टीप्लाई बाय 1/2 विच कम्स टू 15/60 एंड अकॉर्डिंगली जेड का गेनिंग शेयर भी क्योंकि इक्वली कर रहे हैं तो सेम ही आएगा जो वाई का गेनिंग शेयर था, तो रेशियो क्या हो गई 1:1 की, इक्वली है गेनिंग रेशियो, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग शेयर, आपका आ जाएगा आंसर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्लियर है। एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वाई का गेनिंग शेयर एंड जेड का गेनिंग शेयर समझ आ गया, आगे क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं, यहाँ पे इक्वली गेनिंग रेशियो दे रखी है, आगे कभी आपको 3:5 भी दे सकते हैं, 3:2 भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंगली ही पहले गेनिंग रेशियो निकाल, गेनिंग रेशियो तो गिवन ही है, अकॉर्डिंगली आप जो भी एक्स का जो भी रिटायरिंग पार्टनर का पार्ट है आप उसको डिवाइड कर दोगे रिमेनिंग पार्टनर्स में और उसके बाद ओल्ड पार्ट में उसका जो गेनिंग पार्ट है उसको ऐड करके आपका आंसर निकल जाएगा। तो देख लीजिए अच्छे से एग्जाम्पल को, सॉल्यूशन करके भी दे रखा है, कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में स्टेप बाय स्टेप पूछ सकते हो कोई भी डाउट, जहाँ पे भी आपको डाउट आ रहा है। टीएस गरीवाल में से एंड आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स में से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं हाफ मार्क में या वन मार्क में, बहुत ईजी तरीके से आप ये कर पाएंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, सिंपल ईजी मैथ्स कैलकुलेशंस हैं। एनी डाउट इफ यू स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी डाउट तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा,
ठीक है, अब आ जाते हैं केस फोर में। ये थोड़ी सी ना कंफ्यूजिंग करने के लिए आपको सिचुएशन दे रखी है, बट इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें ये है कि व्हेन रिटायरिंग पार्टनर जो है वो अपना जो पार्ट है, गुडविल का पार्ट है, वो सेल कर रहा है रिमेनिंग पार्टनर्स में, और वो उसका अमाउंट दे दिया उन्होंने कि इतना इसको दे रहा है, इतना इसको दे रहा है, तो वो 12,000 दे रहा है एक्स को एंड जेड को दे रहा है 8,000। और क्वेश्चन में कौन रिटायर हो रहा है, वाई रिटायर हो रहा है, तो हम निकाल लेंगे 12:8 की रेशियो 3:2 आ गई है। क्लियर है, 3:2 आपकी मतलब गेनिंग शेयर अब हमें निकालना है, मतलब जो उन्होंने शेयर को लिया है वो आपका क्या है, उन्होंने जो एक्स वाई का रिटायरिंग वाई का जो पार्ट है उन्होंने आपस में 3:2 की रेशियो में उसको डिवाइड किया है। ठीक है, अब ये आ जाते हैं हम टीएस ग्रेवाल के आपके क्वेश्चंस हैं, थ्योरी क्वेश्चंस, थ्योरिटिकल पार्ट है जो ऑलरेडी मैं पीछे समझा चुकी हूँ कि डेफिनेशन क्या है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वगैरह वगैरह। तो आप इसमें से प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए ताकि अगर कोई फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यूज आए तो वो हम आंसर देने में चूके नहीं। ठीक है, तो प्लीज़ ये गो थ्रू कर लीजिएगा, एनसीईआरटी भी साथ के साथ रीड करते जाइएगा। एनसीईआरटी अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, ये आपका थियोरिटिकल पार्ट भी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है, ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर्स विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। फॉर्मूला दे रखा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लस गेनिंग शेयर। अब ये आपकी इलस्ट्रेशन वन है, ये देख सकते हैं आप इसमें क्वेश्चन में क्या बताया है। एबीसी पार्टनर्स हैं और वो आपको 1/2, 2/5 एंड 1/10 के रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, तो आपको निकाल देना एलसीएम और क्वेश्चन अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।